अब मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। इनको नॉर्मली बीटा एंड्रोजेनिक ब्लॉकर्स देते हैं, टिमोलोल, बिटॉक्सोलोल, मायोटिक्स दे सकते हैं, पिलोकार्पाइन, कार्बोखोल, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स दे सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स दे सकते हैं, एंटी ग्लूकोमा एजेंट्स भी दे सकते हैं। यहाँ देखिए एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स कौन से हैं, ऊपर देखिए सही है, फिर भी आप लोग देख लो ऊपर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, बीटा ब्लॉकर्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, हाइपरोसमेटिक एजेंट, मैनिटोल भी दे सकते हैं, ये कॉमन है। प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या होता है, इंक्रीज आउटफ्लो इंक्रीज करेगा वो किसका, एक्वेस ह्यूमर का। बीटा ब्लॉकर्स डिक्रीज करेंगे प्रोडक्शन, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स भी प्रोडक्शन डिक्रीज करेंगे। अब सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आर्गन लेज़र ट्रेबिक्युलोप्लास्टी, मतलब कौन सा मेशवर्क में डिफेक्ट है वो मेशवर्क निकाल देते हैं, ट्रेबिकुलर मेशवर्क, ये देखिए यहाँ। प्लास्टिक का मतलब होता है रिपेयर, टॉमिक का मतलब होता है निकाल देना। आर्गन लेज़र ट्रेबिक्युलोप्लास्टी मतलब उसको ठीक करते हैं, कुछ डिफेक्ट रहे तो स्टिचिंग्स डाल के, नहीं तो पोजीशन ठीक करेंगे, रिप्लेस हुआ तो पोजीशन ठीक करेंगे उसका। ट्रेबिक्युलोटॉमी का मतलब होता है पूरा ट्रेबिकुलर मेशवर्क निकाल देते हैं। स्क्लेरेक्टॉमी मतलब होता है अगर स्क्लेरा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ड्रेनेज को, मतलब एक्वेस ह्यूमर को, तो स्क्लेरा को निकाल देते हैं। लेज़र अगर आइरिस ब्लॉक कर रहा है तो लेज़र इरिडोटॉमी, आइरिस निकाल देते हैं। साइक्लोडायलिसिस भी करते हैं। अब मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में देखेंगे, पहले हिस्ट्री कलेक्शन करना चाहिए, मतलब पहले उनको कौन सा तो आई डिसऑर्डर था क्या, फिर हाइपरटेंशन उनको है क्या पूछना चाहिए, उनको डायबिटीज मेलिटस है क्या पूछना चाहिए, कोई आँख में कुछ लगा, इंजुरी कुछ हुआ उसके बारे में पूछना चाहिए, सिम्टम्स के बारे में पूछना चाहिए, क्या हो रहा है उनको, मतलब पेन कैसा है, इचिंग है, टिकलिंग है, ये सब पूछना चाहिए। कंफर्टेबल पोजीशन देना चाहिए, हॉट कंप्रेशंस देना चाहिए, अगर एडिमा रहा तो आँख के साइड में एडिमा अपने को आपको देखने को मिला तो हॉट कंप्रेशंस दे सकते हैं। ऑप्टिमल आईओपी रिडक्शन टेक्निक्स भी उनको बोलना चाहिए, आईओपी का मतलब होता है इंट्राओक्युलर प्रेशर रिडक्शन टेक्निक्स उनको सिखाना चाहिए। मेडिकेशंस अच्छे से लेने के लिए बोलना चाहिए, गुड रेस्टेंस लीक उनको देना चाहिए, मेडिकेशंस देना चाहिए एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन। डिसीज प्रोसेस के बारे में उनको नॉलेज देना चाहिए, गुड विटामिन ए रिच फूड देना चाहिए। गिव रिटन इंस्ट्रक्शंस ऑन द मेडिकेशन कंटेनर, मेडिकेशन कंटेनर के ऊपर आप लोगों को रिटन इंस्ट्रक्शंस लिख के देना चाहिए, जिससे क्लाइंट या पेशेंट कंफ्यूज ना हो, कौन सा टाइम को कौन सा ड्रॉप्स डालना है, सब उनको बोल के समझा के लिख के देना चाहिए, जिससे वो मेडिकेशंस मिस ना करें। अगर कोई प्रोसीजर्स बेड सेट करे है तो उसका डेट एंड टाइम नोट करना चाहिए नर्सिस नोट्स में, वाइटल साइंस रिकॉर्ड करना चाहिए, ट्रीटमेंट दिए हुआ डेट एंड टाइमिंग रिकॉर्ड करना चाहिए, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस रहा तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। ऊपर पिलोकार्पाइन आपने देखा होगा बीटा ब्लॉकर्स में, किसमें देखे हैं, मायोटिक्स में। पिलोकार्पाइन एक मायोटिक सॉल्यूशन है,
एक्सोनोमेट्री इसे बोलते हैं। ये देखिए टाइप्स मैं आपको बोल रहा था, ये रहा हेल्दी आई जिसमें ड्रेनेज सब ओपन है, मतलब यहाँ से एक्वस ह्यूमर आएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से वापस अंदर आएगा फिर जाएगा, ऐसे ही होता रहता है जिससे हमारा आँख का नॉर्मल इंटरल ऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन रहता है। तब हमें जब हमें ग्लॉकोमा होता है तब यहाँ कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस रहते हैं ओपन एंगल ग्लॉकोमा में, ड्रेनेज कैनल्स क्लॉग्ड रहते हैं जिससे फ्लूइड बिल्डअप रहता है। क्लोज्ड एंगल ग्लॉकोमा का मतलब होता है पोरस स्क्लेरा ही उसको ऐसा आयरिस है उसको ऐसा ब्लॉक करता है जिससे एक्वस ह्यूमर करेक्टली ड्रेन नहीं होता है जिससे इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ेगा और ग्लॉकोमा कॉज करेगा। ये देखिए हिरिडोटोमी, हिरिडोटोमी का मतलब होता है आयरिस ब्लॉक्ड आयरिस को परफोरेशन करते हैं, मतलब एक होल डालते हैं जिससे ड्रेनेज अच्छी तरह से सर्कुलेट हो। तो इतना ही, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और ये नोट्स आप लोग लिख लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको। सो थैंक यू, पीस आउट।